press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Hello and a very, very good evening to each and everyone. This is Akanksha and let's initiate with our reasoning session. और आज के रीजनिंग सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग, आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे. वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं होगा, इनफैक्ट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. आपको कुछ मॉडरेट लेवल के भी सवाल मिलेंगे, कुछ आपको थोड़े से चैलेंजिंग भी मिलेंगे. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको जो सवाल दूँगी उसका जो लेवल है, सवाल तो एज इट इज़ मैं नहीं कहूँगी, सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पिक किए हुए नहीं हैं, बट जो सवाल के लेवल हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही इंस्पायर्ड हैं. एंड आई होप दैट यू ऑल आर रेडी फॉर दैट. चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली स्लाइड से. सो ओके गाइस, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड. जल्दी से सिंप्लीफाई करिए इस सवाल को. इसमें आपसे ये आपको डायरेक्शन का सवाल दिया गया है, ठीक है. सुशांत वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. By the way, सबसे पहले मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ, आप रिप्लाई करो, फिर मैं इनिशिएट करूँगी. पहले आप ही लोग रिप्लाई करिए. हेलो हेलो एवरीवन, चलिए रिप्लाई करिए जल्दी से गाइस. आपको बहुत ही मॉडरेट लेवल का डायरेक्शन का सवाल दिया गया है. ओके सो इंद्रजीत आंसर ऑप्शन, आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे आपके पास 5 किलोमीटर, आई होप यू आर सेइंग, बट वहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछी गई है, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में भी पूछा गया है. ओके सो आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी. सी रिप्लाई आ रहा है, डी रिप्लाई आ रहा है. गाइस बहुत ही नॉर्मल लेवल का सवाल है, आप अलग अलग रिप्लाई कैसे कर रहे हो. ओके लेट्स इनिशिएट विद द सॉल्यूशन. सुशांत वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. सुशांत 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला गया, नॉर्थ में चला गया, इन द सेंस अपवर्ड चला गया, ठीक है. देन देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ. अब 6 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ विच मीन्स ही इज गोइंग डाउनवर्ड. ओके से 6 किलोमीटर साउथ, विच मीन्स कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 6 हो गई, विच मीन्स कि लेफ्ट वाली कितनी है, 4 है, ठीक है. अच्छा आगे क्या बोल रहा है, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. यहाँ से वेरी गुड, अब यहाँ पे मेरे पास कई करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों के आंसर अलग भी आ रहे हैं. कुछ लोगों का आंसर डी आ रहा है, आई डोंट नो कैसे आपका सी आ रहा है. ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं. उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. अब यहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट, मतलब डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस और डिस्टेंस इतना आ गया. फिर हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. एक चीज़ और, ये राइट एंगल है ना, और ये आपका फिर बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आपका डिस्टेंस कितना है 4, ये डिस्टेंस कितना है 3. तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, होप यू ऑल रिमेंबर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड इट विल गिव यू प्रोडक्ट ऑफ 25. मतलब आंसर आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है. बट एक चीज़, आपसे सिर्फ दूरी नहीं पूछी गई है, दूरी के साथ साथ एक चीज़ और पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में. ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है. तो ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका इस ईस्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट वन. सो द आंसर इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पे कई लोगों ने एकदम करेक्ट रिप्लाई किया है, ठीक है, बट कुछ लोगों के आंसर इनकरेक्ट आए थे. आई होप कि अगला सवाल अब आप सही सही करेंगे. सिली सी मिस्टेक हुई होगी आई थिंक, क्योंकि ये ऐसा सवाल नहीं है कि आप बहुत मेजर मिस्टेक करेंगे. ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके अगला आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड है. अगला जो सवाल है वो आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड है. सबसे पहले आप खुद ही सिंप्लीफाई करिए, सबसे पहले आप खुद सिंप्लीफाई करो, देन आई विल आंसर.
Pradeep's father is Umesh's son. Pradeep ke jo pitaji hain, wo Umesh ke bete hain. Thanks, Asha Rani. I also missed you all a lot. Chalo, okay. Answer kariye. Okay, so I got one answer. Option number D. Very good. Very good, Dheeraj Singh. Sabse pehla reply yahan pe Dheeraj Singh ka aaya hai. Very good. Chalo, initiate karte hain simplification se. Pradeep's father. Okay, fine. Pradeep. Pradeep ke father hain. But Pradeep's father is Umesh sons. ये जो प्रदीप के फादर हैं ये उमेश के बेटे हैं. ठीक है, आगे क्या कह रहा है. मनीष इज द पैटर्नल अंकल ऑफ प्रदीप. प्रदीप के पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब पिताजी के भाई. प्रदीप के जो पैटर्नल अंकल हैं वो कौन हो रहे हैं, मनीष. एंड गाइज रिमेंबर, आपके और मेरे रिप्रेजेंटेशन में शायद थोड़ा सा फर्क होगा. मेरे डबल बॉन्डिंग का मतलब ब्रदर सिस्टर और सिंगल रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड वाइफ. तो प्लीज कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ओके. मनीष इज द पैटर्नल अंकल ऑफ प्रदीप एंड नीतीश इज द ब्रदर ऑफ उमेश. नीतीश जो है ये क्या है, भाई हैं. किसके भाई हैं, उमेश के भाई हैं. अब आपसे पूछा क्या है, देन हाउ इज नीतीश रिलेटेड टू मनीष. नीतीश मनीष से कैसे रिलेटेड हैं, तो उनके पिताजी के भाई, विच मीन्स पैटर्नल अंकल, जैसे हम हिंदी में चाचा भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला सवाल ये आपका कोडिंग बेस्ड सवाल है, लेकिन ये लॉजिकल कोडिंग नहीं है, ये आपको कॉमन एलिमेंट ट्रेस आउट करने वाली कोडिंग है. अभी आगे मैं आपको लॉजिकल कोडिंग भी दूंगी. चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करो. ये आपका सिंपल सा आपको कॉमन एलिमेंट को ट्रेस आउट करना है इस कोडिंग डिकोडिंग में. जल्दी से सिंप्लीफाई करिए. ओके, सो आई गॉट वन आंसर, ऑप्शन नंबर डी. एक आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी. आई डोंट थिंक डी वुज बी द करेक्ट आंसर. वेरी गुड पूर्णिमा, बट देयर वॉज वन इनकरेक्ट आंसर ऑल्सो. गाइस ध्यान से सिंप्लीफाई करिए. वेरी गुड प्रिया, ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड, चलो फोकस करते हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 617735263. तो आपको सिंपली इसमें से कॉमन एलिमेंट ट्रेस आउट कर लेना है और कुछ काम नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट ट्रेस आउट करना है. तो 7 और 7 कॉमन हो रहा है ना. तो जब फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपका 7 और 7 कॉमन हो रहा है ना, तो उसी साथ आपकी एक चीज और कॉमन हो रही है. कौन सी, स्वीट, है ना. आपको यहाँ पे सिंपली एलिमिनेशन प्रोसेस अपनानी है. एलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग लाइन में जो मेंबर कॉमन हो रहे हैं, ओके. एंड फिर आपसे पूछा किसके गया, किसके रेस्पेक्ट में गया था, कॉफी इज हॉट. तो कॉफी के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. इसके लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. और हॉट के लिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज 5, 3, 6. Which means the correct answer is option number B. Very good guys. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Let's see the next one. Okay, ये आपको, अब ये जो कोडिंग है ये एक लॉजिकल कोडिंग है. फिलहाल आप आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि लॉजिक थोड़ा सा इनडेप्थ लॉजिक है या बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. पहले तो आप खुद ही डिसाइड करो कि आफ्टरऑल लॉजिक है कैसा. डेली को इस पर्टिकुलर, लेकिन ये आपकी लेटर टू लेटर की कोडिंग नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट में कोडिंग नहीं हो रही है. यहाँ पे आपकी अल्फ़ाबेट और नंबर की कोडिंग हो रही है. ठीक है, डेली को कोड किया गया है 73541 में, कैलकाटा को कोड किया गया है इसमें, और कैलिकट के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है. जल्दी से आंसर करो, जल्दी से रिप्लाई करिए. ओके, सो आई गॉट सम आंसर एंड नॉट ओनली आंसर. वेरी गुड रोशन, वेरी गुड पूर्णिमा, राहुल, सुरभि, प्रिंस, आशा,
Lakhan, Shashi. Very good, guys. The correct answer is option number C. इस सवाल में क्या हो रहा है? कुछ लॉजिक नहीं है. देखो क्या चल रहा है. जैसे आपको दिया गया है दिल्ली, दिल्ली के रेस्पेक्ट में जो नंबर लिखे गए हैं 735 735 41 41, जो लेटर जिस नंबर के रेस्पेक्ट में जिस पोजीशन पे है वो उसी का कोड बन जा रहा है. दैट्स इट. इस कोडिंग में कोई भी टिपिकल लॉजिक नहीं चल रहा है. जैसे ये दिल्ली दिया गया है, दिल्ली के साथ नंबर आपका 7 हो रहा है, ई के साथ आपका 3 हो रहा है, एल के साथ 5 हो रहा है, एच के साथ 4 हो रहा है, आई के साथ 1 हो रहा है. मतलब यहाँ पे आपको इनकी प्लेस वैल्यू कंसिडर बिल्कुल नहीं करनी थी. यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू से कोई भी रिलेशन नहीं था. आपको सिंपली लेटर और नंबर के कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई कर देना था. तो कैलीकट के लिए आपसे पूछा गया है, तो कैलीकट का आंसर क्या हो जाएगा? 8251896. ओके गाइस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, ये आपकी, अब आइए एक लॉजिकल कोडिंग. इसमें पैटर्न चल रहा है. अब वो पैटर्न क्या चल रहा है फिलहाल तो आप ही सोचो. रिक्वेस्ट के लिए कोड लिखा गया है. मैं जब तक यहाँ पे इसका कोड वैल्यू लिख रही हूँ उस पर्टिकुलर वर्ड की, आई होप तब तक आप लॉजिक ट्रेस आउट कर ही लोगे. S2R5 2TU. वैसे मैं एक चीज समझ पा रही हूँ कि आप इसमें ये जो लेटर जो एसोसिएट हो रहे हैं इसको आप बहुत इजीली ग्रैप कर लोगे कि आफ्टर ऑल ये लेटर कैसे रिलेट हो रहे हैं. अगर आप कुछ सोचोगे अगर आप कोई भी चीज़ सोचोगे तो शायद वो नंबर ही होगा कि ये नंबर कैसे आया. बट बाय द वे, एट द सेम टाइम मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए. ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो यू ऑल आर इन द फेवर ऑफ ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ. वेरी गुड गाइस, चलिए देखते हैं. देखो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, ये जो सिर्फ लेटर का लेटर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये बड़ा ही इजी है ना. हमें क्लियरली दिख रहा है आर के बाद एस प्लस वन, क्यू के बाद आर प्लस वन, एस टी प्लस वन, टी से यू प्लस वन. बट व्हाट अबाउट दीज नंबर्स? इन नंबर में क्या चल रहा है? द थिंग विच इज हैपनिंग विद दीज नंबर्स इज दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वॉवल्स. यहाँ पे इनका वॉवल के हिसाब से किया गया नंबरिंग है. ए ई आई ओ यू, ए को 1 2 3 4 5. सो ये आपका नंबर के रिस्पेक्ट में लॉजिक चल रहा है. ठीक है, वॉवल की एक अलग से सीरीज बनाई गई है. जैसा कि इनका अल्फाबेटिकल सीरीज में अपीयरेंस होता है तो उन्हें एक अलग से ऑर्डर दे दिया गया है, 1 2 3 4 5. तो ई के लिए कितना आ गया? 2. सो 2 इज रिटन हियर, 2 इज रिटन हियर एज वेल. यू के लिए कितना आता है? 5. सो 5 इज रिटन हियर. सो तो आपसे पूछा किसके लिए गया है? पर्ल के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड गाइज, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्यू 2 1 एस एंड एन एम. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, अगली स्लाइड स्क्रीन पे आ चुकी है. अब नाउ हियर कम्स द मैथमेटिकल रीजनिंग. आपको इनमें से एक ऑड पेयर पिक करना है. आपको इसमें से एक ऑड पेयर पिक करना है. विच इज द ऑड मेंबर अमंग देम? इनमें से एक ऑड मेंबर है, आपको बताना है वो ऑड मेंबर कौन सा है. चलो जल्दी से. ओके, रोशन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. सी, ओके सी. राहुल सी, अजहर सी. बट एट द सेम टाइम बहुत कम लोगों का आंसर अभी आ रहा है. आई थिंक रेस्ट ऑफ देम आर कंसिडरिंग कि आंसर होगा क्या. सी सी सी. ओके, नाउ यू ऑल आर इन द फेवर ऑफ सी इटसेल्फ. एंड सो गाइस, कैन यू टेल मी द लॉजिक? लॉजिक क्या चल रहा है? किस बेसिस पे आपने कहा कि सी ऑड हो रहा है?
किस बेसिस पे आपने सी को ऑड मेंबर और ट्रेस आउट करा है इसमें. वेरी गुड शैम्पी सिंह, महेंद्र सिंह, आशीष ठाकुर के अकॉर्डिंग आंसर ए हो रहा है. सॉरी आशीष, आई गेस आपने कहीं कुछ गलत समझा है या कंक्लूड किया है. ओके लेट्स सी, जैसे क्या दिया आपको सबसे पहले 22, 4, 5, ठीक है. 22, 4 and 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेकेंड और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो. लास्ट के दोनों डिजिट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद 20, उसके बाद उसमें 2 एड ऑन कर दो तो आपको मिल जाएगा इनिशियल टर्म, ठीक है. जैसे अगला आपका क्या है, 34, 4, 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 32 + 4 किया तो 34 फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया. बट ये सेम लॉजिक, यही लॉजिक फर्स्ट में मतलब ए में चल रहा है, बी में चल रहा है, डी में भी चल रहा है, बट सी में ये लॉजिक नहीं चल रहा है. सो विच इज द ऑड मेंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन. विच इज द ऑड वन, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन. ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. वेरी गुड, स्पीड ऐसे ही बरकरार रखिएगा आंसर करने की, ठीक है. चलिए अगला सवाल, सेम थिंग, इसमें भी आपको ऑड मेंबर को ट्रेस आउट करना है, इसमें भी आपको ऑड मेंबर ही ट्रेस आउट करना है. जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर एंड नॉट ओनली करेक्ट आंसर, सबसे पहला करेक्ट किसका आएगा. लेट्स सी, वेरी गुड पूर्णिमा, अभी तक अगर आपका स्कोर 6 out of 6 है, वेरी गुड. एंड गाइज डू रिमेंबर, अभी तो मैं आपको ये सवाल दे रही हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर से इंस्पायर्ड है, इसके बाद मैं आपको थोड़े से चैलेंजर्स भी दूंगी लास्ट में, ठीक है. तब तक आप वार्म अप हो जाइए, आपका दिमाग खुल जाएगा, नंबर से डील करने कंफर्टेबल हो जाएंगे. वेरी गुड, यहाँ पे मेरे पास करेक्ट आंसर आ गए पर एट द सेम टाइम आंसर मिक्स एंड मैच आ रहे हैं. करेक्ट आंसर सबसे पहले आया है स्वप्निल गुप्ता, इवन राहुल यादव, राहुल जी का भी सबसे पहले एंड करेक्ट रिप्लाई आया है. सो गाइस द ऑड वन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द ऑड वन, ऑप्शन नंबर ए इज द ऑड मेंबर. व्हाई इट इज द ऑड वन, लेट्स सी. जैसे ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, 10 और 90, ठीक है, 10 और 90, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया, 100 आया, आया कि नहीं, है ना, 927. चलो हम एक काम करते हैं, हम इनिशियल स्टेज से सब पे एक एक बार एड ऑन करते चलते हैं. 11 और 115 को भी एड ऑन कर दीजिए, 126 आ गया. 9 और 72, यहाँ पे आंसर डी भी आ रहे हैं, चलो देखते हैं, एनीवेज यहाँ पे टारगेट करते हैं, ठीक है. 9 और 72 को भी जब आप एड ऑन कर देंगे मीन्स ऑप्शन नंबर सी कितना आ गया, 81 आ गया. डी में देखिए, डी में भी जब आप दोनों को एड ऑन कर देंगे तो कितना आ गया, 144 आ गया. जब आप इन सबको एड ऑन कर देंगे, अब आप क्या नंबर्स में डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हैं, आई गेस आप सब लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, ठीक है. आई गेस आप सम ऑफ यू आर सेइंग मैम हिंदी में, देखो अब ये सिर्फ नंबर्स थे इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी के सवाल नहीं लिखे थे, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको नंबर्स थे इसलिए मैंने आपको एज इट इज लिख के दे दिए. नाउ 126 एक्सेप्ट दिस, रेस्ट ऑफ देम आर, दे हैव अ सिमिलैरिटी इन देम एंड द सिमिलैरिटी इज दैट दे आर अ परफेक्ट स्क्वायर, बट फर्स्ट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब हम जब इन टर्म्स का एडिशन कर रहे हैं तो पहला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कोई दिक्कत नहीं है, काफी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मैम मेरा लॉजिक नहीं बन पाया, नेवर माइंड नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में अगले में बन जाएगा. चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं. ओके, आपको इनमें से ऑड मेंबर बताना है, यू हैव टू पिक द ऑड मेंबर आउट. देखो प्लीज बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत होना, अगर आंसर इनकरेक्ट आ रहा है बिल्कुल मत परेशान हो, या नहीं बन पाया है टेक इट एज अ कॉम्पिटिशन, ठीक है.
और अगर परेशानी और चिंता हो रही है, और चिंता पता है किस चीज़ की होती है, ये नहीं कि मुझसे नहीं हुआ, चिंता कमेंट्स देखकर होती है कि बाकी लोगों को कैसे समझ में आ गया अगर मुझे नहीं समझ में आया तो. एंड ये फीलिंग आना ना एक बहुत अच्छी फीलिंग है. ये कंपटीशन के ट्रैक पे आप एकदम सही सही चल रहे हो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो. इट्स अ गुड फीलिंग. ओके फाइन, चलो आंसर. ओके सो पीपल, ओके नाउ देयर इज अ टाई अप. आप लोग दो ऑप्शंस में टाई अप हो रहा है. सम ऑफ यू आर इन द फेवर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ यू आर इन द फेवर ऑफ ऑप्शन नंबर डी. आप लोग डी का मतलब जानते हो क्या होता है? फेंसिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये मत समझना कि ये स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है? ये मत समझना कि ये स्पोर्ट्स नहीं है. ये भी एक तरीके का स्पोर्ट होता है, ये भी एक तरीके का खेल होता है. गाइस बिल्कुल मत सोचो, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो. ये भी एक गेम है, ये भी एक खेल है. ऑप्शन नंबर डी, फेंसिंग भी एक स्पोर्ट है. फेंसिंग इज ऑल्सो एक, इट्स एन आर्ट. यू कैन ऑल्सो से इट्स अ टाइप ऑफ एन आर्ट. सो कुछ लोग इसका मतलब घेराबंदी भी समझ रहे होंगे, जैसे कहते हैं घेरा कर देना, बाउंड्री कर देना, समथिंग लाइक दैट. ओके वेरी गुड. एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत बहुत ही बढ़िया लॉजिक भी डिलीवर किया है कि ये करेक्ट आंसर क्यों है. वेरी गुड गाइस. सोहन सिंह आपने एकदम ही अलग सोच लिया है कि इसमें थ्री वॉवल्स आ रहे हैं. यहाँ पे आप वॉवल मत सोचो, वॉवल कॉन्सोनेंट मत सोचोगे, ठीक है? बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं. जब मीनिंगफुल वर्ड होते हैं तो यू हैव टू ट्रेस आउट समथिंग बेस्ड ऑन लॉजिकल वे, ठीक है? आप उसमें से वॉवल कॉन्सोनेंट काउंट नहीं करोगे. एंड गाइज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स इज एन इनडोर गेम एंड रेस्ट ऑफ देम आर आउटडोर गेम. यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपका इनडोर गेम है, बाकी सारे के सारे आपके आउटडोर गेम्स हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इसमें भी आपको ऑड वन, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट ऑड मेंबर. इसमें भी आपको ऑड वन आउट बताना है. आपको मैं एक बात बताऊं, ये ऑड वन आउट पिछले वाले से और ज्यादा आसान है. क्यों आसान है? अगर आपने बचपन में कार्टून्स देखे होंगे, आई होप आपने देखे ही होंगे, आई होप आपने देखे ही होंगे कार्टून्स. अगर आपने देखे होंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी आंसर कर ले जाओगे. कार्टून्स अगर आपने देखे हैं तो आप आंसर कर ले जाओगे. आशा फेंसिंग इज समथिंग, यू कैन ऑल्सो से इट एज अ तलवारबाजी, ठीक है? इट्स तलवारबाजी. ओके गाइज आंसर इट. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज समहाउ रिलेटेड विद योर चाइल्डहुड मेमोरीज. If you remember, then. If you remember, then, guys, याद करो, ये सारे के सारे आपकी childhood memories से related हैं. Cartoons तो देखे ही होंगे बचपन में. रोशन आज नहीं देखते हो लेकिन बचपन में तो जरूर देखा होगा. I think so. Even मार भी खाई होगी. ओके लेट्स सी. देखो वेरी गुड हर्षित, करेक्ट आंसर. हर्षित यू गॉट दैट करेक्ट आंसर. ओके लेट्स सी. कुछ लोग यूनिकॉर्न कह रहे हैं, कुछ लोग मरमेड कह रहे हैं. लेट्स सी. देखो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, मरमेड. ऑप्शन नंबर ए मरमेड, बी स्फिनिक्स, सी यूनिकॉर्न. ये जो तीनों हैं ना, ये इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं. ये सारे के सारे इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं. ये रियल में कहीं नहीं हैं, ठीक है?
ये तीन के तीनों इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, ओके, बट ऑप्शन नंबर डी, दिस इज नॉट अ इमेजिनरी, दिस इज द रियल वन. ऑप्शन नंबर डी आपका रियल है, विच मीन्स डायनासोर. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी एक रियल है, बाकी सारे के सारे आपके जो ऑप्शन है वो इमेजिनरी है. ठीक है, ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं जो कार्टून्स में और ऐसे ही कहीं स्टोरीज में, जो हमने कुछ कहानियों में जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं उनमें सुनी हुई हैं, कुछ ऐसी ही सारी चीज़ें हैं. ठीक है, चलो आते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, सो इट इज समहाउ रिलेटेड विद कोडिंग डिकोडिंग इटसेल्फ. कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन ये जो कोडिंग है ये आपकी लेटर की लेटर में कोडिंग हो रही है. चलो आंसर करो. मैं बोर्ड पे जब तक लिख रही हूँ, आई होप तब तक आप लोग आंसर निकाल ही लोगे. ट्रेड के लिए कोडिंग है यू क्यू बी सी एफ. ओके, चलो जल्दी से आंसर करो. ओके, सो आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर्स. ऑप्शन नंबर ए ए ए, यू गाइस आर इन द फेवर ऑफ ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी यहां पे क्या चल रहा है. ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना, ये प्लस वन और माइनस वन का पैटर्न चल रहा है. टी से यू प्लस वन, क्यू आर माइनस वन, ए से बी प्लस वन, सी से डी माइनस वन, ई से एफ प्लस वन. सो द सीक्वेंस इज प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, सिंपली. सो प्लेट के लिए आंसर क्या आ जाएगा आपका. द करेक्ट आंसर इज क्यू K B S F, which means the correct answer is option number A itself. Option number A is the correct answer. ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Let's see the next one. अगला सवाल. ओके, अगला सवाल. अब आपको बताना है, देखिए इसमें पूछा क्या गया है, आपको एक सेट दिया गया है. ठीक है, जैसे सेट में क्या नंबर है, 14, 23 और 32. ये तीन नंबर हैं. ये तीन नंबर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर लॉजिक कैरी कर रहे हैं, और वही सेम लॉजिक, ठीक है, वही सेम पैटर्न आपको इन ऑप्शंस में किस में मिल रहा है, ये आपको ट्रेस आउट करना है. चलो जल्दी से बताओ किस में चल रहा है वही सेम लॉजिक. ओके, राहुल, मनीष, तरुण, रीति, रोशन, हर्षित, प्रिया, रिचा, इंद्रजीत, दीपक, आशा. आशा आई थिंक दैट यू डू हैव दैट इनकरेक्ट आंसर. सुरेंद्र दीक्षित, अनिल कुमार, स्वीटी, वेरी गुड गाइज, यू ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर. आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट भी आ रहे हैं. कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, दैट्स द रॉन्ग आंसर. चलो देखते हैं, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 14, 23 एंड 32, ठीक है, आपको ये नंबर्स दिए गए हैं. इन नंबर में एक पर्टिकुलर लॉजिक चल रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है. वो पैटर्न क्या चल रहा है, व्हाट इज दैट पैटर्न विच इज वर्किंग आउट. दे आर इन द डिफरेंस ऑफ 9, ये लोग 9 के डिफरेंस पे हैं. ठीक है, ओके, फर्स्ट में प्लस 9 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें प्लस 9 करोगे तो आपको थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नंबर में प्लस 9, 14 प्लस 9 23, देन 23 प्लस 9 32, मतलब प्लस 9 करना है सिंपली. ठीक है,
अब यही सेम सीक्वेंस, यही सेम पैटर्न किस में चल रहा है? द सेम पैटर्न इज वर्किंग इन ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो. ऑप्शन नंबर डी में भी सेम पैटर्न चल रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलो आते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला सवाल, ओके, अगला सवाल आपको एक यहाँ पे नंबर का सीक्वेंस दिया गया है. अब आपको बताना है कि अगला नंबर क्या होगा. एंड सीक्वेंस आपका, जब तक मैं यहाँ पे लिखूँ आई गेस तब तक आप लॉजिक ट्रेस आउट कर लोगे. 583 293 488. What will be the next one? 488 के बाद अगला क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है. 488 के बाद अगला क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड अनुपा. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड पूर्णिमा, सुरभि, वेरी गुड गाइज, यू ऑल आर आंसरिंग करेक्ट एक्सेप्ट सम ऑफ यू. कुछ लोगों का आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, बट बाय द वे रेस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग इट करेक्टली. प्रतीक श्रीवास्तव करेक्ट आंसर, अजय, तरुण, आई होप, आई गेस दैट यू आर आंसरिंग इट इनकरेक्ट, यू नीड टू चेक इट वंस. वेरी गुड राकेश, विनोद, रंजन, वेरी गुड. चलिए देखते हैं, आपको ये जो डिजिट्स दिए गए हैं इन डिजिट्स को एड ऑन कर दीजिए. फाइव मतलब डिजिट्स सम निकाल लीजिए, तो 583, ठीक है, एड ऑन कर दीजिए. 583 16, 293 14. मतलब जब हमने इनका डिजिट सम निकाला, देन वी सॉ वन थिंग कि इस वाले में अगर हमने प्लस टू किया सो वी गेट द फर्स्ट वन, दैट इज 16, है ना. अगर इसमें हमने प्लस टू किया सो वी गॉट दिस वन दैट व्हिच से 16. ओके, वेरी गुड रिचा. सो द सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन दिस ऑल्सो. 4 8 8 8 20, है ना, 20, विच मीन्स कि इधर अगला 18 होना चाहिए, तब 18 प्लस 2 करके 20 आएगा. 18 प्लस 2 करके 20 आ जाएगा. और 18 डिजिट सम किसका बन रहा है? 18 डिजिट सम किसका बन रहा है? B का बन रहा है, विच सेज 378. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. एंड वेरी गुड गाइज, वेरी गुड तरुण, ईच एंड एवरी वन, यू आंसर इट करेक्टली. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, सो ये आपका एक लेटर बेस्ड सीरीज है. ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये जो सवाल होते हैं ये थोड़े से, आई वुड से इट समथिंग लाइक दैट, इट्स समथिंग लॉजिक आ गया तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर लॉजिक नहीं आता है तो इस सवाल को सिंप्लीफाई करने में कई बार अच्छा खासा समय भी लग जाता है. इट डिपेंड्स, इट इज़ अ कंडीशनल वन. ओके, जब तक मैं यहाँ लिख रही हूँ आई होप तब तक आप आंसर निकाल ही लोगे. बाय द वे ये आपका बहुत टिपिकल सवाल मैंने यहाँ पे नहीं दिया है. जल्दी से आंसर करिए. सी देन स्पेस देन ट्रिपल बी देन डबल स्पेस देन ए. ओके, सो यहां पे आंसर आ चुके हैं एंड यू गाइज आर इन द फेवर ऑफ ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड गाइज, दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी, यहां पे एक चीज दिख रही है कि ये 4B आ रहा है. अब एक दिमाग काम कर रहा है कि यहां पे पैटर्न में या पेयर में या जो हम सेट बना रहे हैं उनमें 4B आने चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि ये चले, क्योंकि कई बार क्या होता है ये लोग जब सवाल देते हैं तो वो सीक्वेंशियल इन द सेंस वो एक एक सीरीज में बढ़ता जाता है. इनिशियली में 2B आ रहे होंगे, फिर 3B आएंगे, फिर 4B आ जाते हैं, फिर 5B आ जाते हैं, है ना. लेकिन वो तब
उसके लिए कंडीशन अलग होती है. फिलहाल हमें नंबर ऑफ लेटर्स, इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 18. यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट्स के लिए गुंजाइश है? 18 है. तो 18 है तो सबसे पहला दिमाग में एक चीज़ क्या आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो इवन नंबर में आ रहे हैं. तो मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. अगर मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, है ना, चलो लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीन तीन हिस्से में बांट दिया. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद ये सीक्वेंस, हमने जब इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद अब पैटर्न कितनी इजीली दिख रहा है. देखिए, इनिशियली सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, विच मीन सी सी यहाँ पे आना चाहिए. आफ्टर दैट वी कैन क्लियरली सी इफ देर आर 4B, 1, 2, 3, 4, सो सी ए एंड देन 4B, विच मीन्स दैट द, क्या आपका ये सीक्वेंस बन रहा है, सी ए एंड देन 4 times B, विच मीन्स दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, वेरी गुड गाइज, यू ऑल आंसर्ड इट करेक्टली. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला सवाल, इसमें आपको ऑड मेंबर ट्रेस आउट करना है. यू नीड टू ट्रेस आउट द ऑड वन आउट. जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें आपको समय लगना चाहिए. ये आंसर आप बहुत जल्दी कर देंगे. जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई करिए. यहाँ पे आपको ऑड नंबर ट्रेस आउट करना है, कौन सा ऑड वन हो रहा है. ऑप्शन नंबर डी, डी आई डोंट थिंक डी इज द करेक्ट आंसर. आपको एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा. देखो, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सारे के सारे किसी न किसी के स्क्वायर हैं, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15. तो अब तो बहुत इजीली पता चल रहा है कि इसमें से ऑड मेंबर कौन सा हो रहा है. कैसी कंफ्यूजन है. वेरी गुड रिचा, वेरी गुड आशा, दीपक, गौरव, शौर्य, रोशन, वेरी गुड, वेरी गुड गगन, सुमन, इंद्रजीत, वेरी गुड गाइस. यहाँ पे ऑड मेंबर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए विच सेज 36. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी के स्क्वायर है. जैसे किसके, 5, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 6 का दिया है, फिर 7, ठीक है, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन, इसी तरीके से है. अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यही एक ऐसा नंबर है, बाकी आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं, देखो कैसे नंबर दिख रहे हैं, आपको ऑड नंबर दिख रहे हैं, बल्कि सिर्फ यहाँ पे 6 एक इवन का स्क्वायर, मतलब 36 ये एक इवन नंबर का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है. बाकी और जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके स्क्वायर हो रहे हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं. ओके, स्लाइड हटा दीजिए. एंड आई गेस कि आप लोगों ने काफ़ी आंसर यहाँ पे करेक्ट किया होगा. ठीक है, इसको शेयर करिएगा. मैं आपको कुछ तब तक चैलेंजर्स देती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कुछ लोग बोल भी रहे थे कि मैम ये तो बहुत सिंपल हो रहा है. ठीक है, चलिए कुछ चैलेंजर्स से डील करते हैं. लेट्स डील. 202 402 1002 1602 2202. Now you have to pick the odd one out. Simply, you have to pick the odd one out. आपको इनमें से एक odd member trace out करना है. Odd member कौन सा है, जल्दी से reply करो. Odd member कौन सा है. अब मैं आपको कुछ challenges देने वाली हूँ. ठीक है, So don't go anywhere, stay connected. संबित मिश्रा, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने आपके कमेंट्स या आपके आंसर को नहीं देखा है. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. चलो जल्दी से आंसर करो. बाय द वे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. वेरी गुड, आंसर आ गए.
आंसर आ तो गए लेकिन मिक्स एंड मैच आ रहे हैं. 202 402 1002 1602 कोई कुछ नहीं छोड़ा है आपने, आपने तो सारे ऑप्शंस बोल दिए. 2202 गाइस सारे आंसर कैसे हो सकते हैं, आप लोग सारे बोल दे रहे हो, एक बोलो. अभी मैं इसी में किसी का नाम ले लूंगी ना तो आप लोग श्योर हो जाओगे. अच्छा मैं आपको एक चीज़ एक बात और बता दूं, ये देने का मेरा एक पर्पज़ और है. पता है क्या पर्पज़ है? ये जो मैं आपको सवाल दे रही हूँ ये हमारे थिंकिंग एबिलिटी पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है. पूछिए क्यों, वाई? आपको पता है इन तरीके के सवालों में लॉजिक, मल्टीपल लॉजिक चल जाते हैं, कई लॉजिक चल जाते हैं. इसीलिए मैं ये सवाल आपको देती हूँ, क्योंकि जब आप और हम, मैं मतलब हम और आप मिलके इसका जब डिस्कशन करते हैं, मैं तो सवाल जब मैंने ये बनाया था तो मैंने कुछ और लॉजिक सोच के बनाया था, लेकिन जब आप आंसर करते हो और आप कहते हो मैम ये भी हो सकता है, इसका रीज़न ये है, एंड ट्रस्ट मी गाइस आपका लॉजिक सुनने के बाद मैं सरेंडर हो जाती हूँ. यस यू आर सेइंग इट करेक्ट, क्योंकि ये नंबर सीरीज जो होती हैं मैथमेटिक्स की जो होती है वो मल्टीपल लॉजिक नहीं कैरी करती है, दे डू हैव अ सिंगल लॉजिक, लेकिन रीजनिंग वाली मल्टीपल लॉजिक कैरी करती है. इसीलिए मैं आपको ये सवाल ऐसे देती हूँ, क्यों? मैंने तो कुछ और सोच के बनाया था, मैंने तो जो सोचा है वो मेरे दिमाग में फिट है. अब आप मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने और क्या क्या लॉजिक इसमें से ट्रेस आउट कर लिया. ये क्या हेल्प करेगा? ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को चैलेंज करते हैं, सोचने समझने की क्षमता को चैलेंज करते हैं. ओके, तो अब आप लोग जैसे अलग अलग आंसर भी दे रहे हो, ठीक है, मैं अपना आंसर बताती हूँ. मेरे हिसाब से आंसर ये है जो मैंने सोच के सवाल बनाया था. अगर आप अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंट हैं तो कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपके लॉजिक्स भी देख रही हूँ और मैं फिर बताऊँगी कि हाँ आपने एकदम सही लॉजिक पकड़ा है. सो अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर इज 202. According to me, correct answer is 202. And why it is correct? Just because it is not divisible by 6 and rest of them are divisible by 6. So, ye tha mera logic. According to me, according to my logic. And mere khayal se jo log 202 bol rahe hain, theek hai? Jo log 202 bol rahe hain, shayad unhone yahi soch ke bola hoga, hai na? Ab dekhte hain कि आप लोग जो कुछ लोग 1002 भी कह रहे हैं, लेट्स सी कि आपने क्या क्या सोच के बोला है. इसीलिए मैं कह रही हूं मैं आपके थिंकिंग प्रोसेस को चैलेंज करना चाहती हूं. अगर आपको ओके, सो बाय द वे फिलहाल काफी लोग 202 के ही फेवर में हैं. Dinesh Kumar is also saying according to me also. Yes ma'am, Neetu is saying difference 600. Okay, तो अगर आप difference 600 सोच के कर रहे हैं, 600 का difference सोच के कर रहे हैं, I guess then also answer is same. Difference 600. Difference 600, very good. बाकी मुझे और कोई यहाँ पे logical answer नहीं मिला है अभी तक मुझे और कोई logical reply नहीं मिला है. Okay, anyways, I guess चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. देखो आपका कुछ और logic आ रहा है तो बेहिचक आप comment करना. Okay, I am ready for the fresh ideas. Okay, let's initiate. 1441 2816 3575 4026 5226. Again, you need to pick the odd one out. You need to pick the odd one out. Again, the same thing. आपको बताना इनमें से odd member. जल्दी से
Jaldi se, you need to tell the odd one out. Gopani, very good, but aapka logic sahi tha. Aapka logic incorrect nahi tha. You got the correct logic. Yeah, Anand Mishra, I'm sorry, aap kya kehna cha rahe hain? Aap ek bar fir se baat apni repeat kar sakte hain, please? Okay, by the way, at the same time, yahan pe answer bhi aane lage hain. 2816. Ab, I don't know, aapne kya soch ke 2816 kaha hai, but jo bhi soch ke kaha hai, kya aap reason de sakte hain? Aap logo ne jo bhi soch ke 2816 kaha hai, please reason dijiye. 3575. Okay, let's see. Aapke answer filhal abhi mere answer se alag aa rahe hain. Aapke answer mere shaurya, very good shaurya. Okay, chalo, kisi ka to answer mujhse tally hua. Arun, very good. Very good, Arun. Mere answer se kisi ka to tally hua. Aap log ka agar kuch aur answer aa raha hai, 5226, very good, 5226, very good guys, very good Tabassum, but in any case, agar kuch aur aa raha hai, to please reason batao, reason, I need reason, according to me, correct answer is this, 5226, okay, Vikas Kumar is saying, sabko add kar dijiye, okay, to Vikas Kumar add karne se kya fark pad raha hai? अगर मैं सम डिजिट ले रही हूँ तो सम डिजिट्स में कुछ ऑड इवन का सीक्वेंस आ रहा है प्राइम का आ रहा है क्या आ रहा है डू यू हैव एनी पर्टिकुलर आंसर अबाउट इट अरे वेरी गुड आशा रानी आज तो आपने नंबर में कमाल कर दिया अदरवाइज आप वेरी गुड रिचा शुक्ला ये लड़कियाँ आज धड़ाधड़ सारे नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हैं वेरी गुड एंड दैट ऑल्सो करेक्टली यही लड़कियां जो भी कुछ दिन पहले कहती थी कि मैम नंबर सीरीज नहीं होता है एंड नाउ दे ऑल आर सो क्विक एंड करेक्ट एट द सेम टाइम वेरी गुड प्राउड टू सी योर प्रोग्रेस ओके ओके सो यू गाइस आर इन द फेवर यहां पे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि 5226 because it is not okay what was that because it is not divisible by 11 very good Vinod ji very good Neetu because it is not divisible by 11 very good Ravindranath agar please kuch aur logic aa raha hai then do tell me kuch aur logic aa raha hai कुछ और लॉजिक आ रहा है तो प्लीज डू टेल मी अदरवाइज मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रही हूं नहीं तो हम लोग एक ही सवाल के ऊपर डिस्कशन करते रह जाएंगे ओके सो लेट्स इनिशिएट सी एफ एल डबल फोर वन डी वी डी नाइन डबल जीरो एल डी डी थ्री सिक्स वन L E D double 41. Again, you need to pick the odd one out. You need to pick the odd one out, guys. Aapko batana hai in mein se odd member. You need to pick the odd one out. वेरी गुड रविंद्रनाथ सुधीर नेवर माइंड आप लेट आए हैं कोई नहीं आप अभी आए हैं आप अभी से इनिशिएट कर दीजिए सिंप्लीफाई करना विजय कुमार बिकॉज सम ऑफ ऑल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव सो द आंसर इज 2816 ओके ओके अच्छा तो बाकियों में डिविजिबल बाय फाइव हो रहा था ओके एनीवेज अभी मैं उसको भी चेक कर लूँगी चलिए इसका आंसर L double D 361 L double D 361
L double. Okay, fine. Okay, alag alag answer aane lage. Again, you all are giving me different answers. Okay, by the way, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है. आप ऑड वन बताने से पहले मुझे ये बताइए इसमें चल क्या रहा है. ये लेटर और नंबर एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है. ओ ये लॉजिक टू नंबर आर सेम. प्लीज ये लॉजिक मत लगाना कि इसमें 441 है और उसमें भी 441 है. ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाना, ठीक है. यू नीड टू बी लॉजिकल वन. शॉर्टकट नहीं अपनाइए प्लीज. गाइस आप बताओ क्या लॉजिक आ रहा है. ओके आई गॉट वन आंसर. आकाशदीप सम ऑफ लेटर का स्क्वायर हो रहा है. वेरी गुड आकाशदीप, वेरी गुड आकाश. इंद्रजीत सिंह पोजीशन नंबर एंड प्लस देन स्क्वायर. वेरी गुड. लेटर पोजीशन ऐड एंड देन स्क्वायर. गौतम यस आप लाइव में ही हैं, डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट. ओके वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. सो दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक. इस सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू, दिस इज सी एफ और एल की प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू जितनी आ रही है उसको एड ऑन कर दिया. सी की, एफ की और एल की, इन तीनों की प्लेस वैल्यू या पोजीशंस वैल्यू को एड ऑन कर दीजिए. तो सी एफ एल को जब आप एड ऑन कर देंगे तो कितना आ गया, 321. इसको जब आपने एड ऑन किया तो कितना आया, 21. और 21 का स्क्वायर 441. डबल फोर वन. सो दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक. अब ये लॉजिक इनमें से किसमें अप्लाई नहीं हो रहा है. ये लॉजिक आप बिल्कुल मत अप्लाई करना कि एल डी डी में डी दो बार आ रहा है, ठीक है. ये इनअप्रोप्रिएट लॉजिक है, ये इनअप्रोप्रिएट लॉजिक है. ओके सो विच इज द ऑड मेंबर, एल डबल डी 361, दैट इज द ऑड एलिमेंट. ओके दैट इज द ऑड एलिमेंट, एल डबल डी 361, क्योंकि सबकी प्लेस वैल्यू को एड ऑन कर देना था सिंपली, और कुछ काम ही नहीं था. चलो अच्छा अगला सवाल. चलो जल्दी से आंसर बताइए. अच्छा अब यहाँ कुछ लोग उसको एलईडी बल्ब, सीएफएल, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली भी रिलेट करा रहे हैं. ये रिलेशन बिल्कुल मत बताएं, बनाना आप, ठीक है. चलो जल्दी बताओ इसका लॉजिक आंसर. यहाँ पे क्या लेटर आएगा, ऑब्वियसली लेटर ही आना है, बट वो लेटर कौन सा होगा, विच इज दैट लेटर. ये तो क्लियर है कि ओके आशा देन आंसर मी करेक्टली. अब फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं दैट यू ऑल विल आंसर मी करेक्टली. ओके जल्दी से रिप्लाई करो, बी क्विक. चंदन दैट वॉज रॉन्ग आंसर. यस आदर्श सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है इसलिए भी इनकरेक्ट है. ओके सोनम इनकरेक्ट, अमित इनकरेक्ट आंसर, कुंज इनकरेक्ट, अनंता इनकरेक्ट, पूर्णिमा इनकरेक्ट. नीतू इनकरेक्ट आंसर, अभिषेक इनकरेक्ट, शिवानी इनकरेक्ट आंसर, तरुण गलत जवाब.
Mukesh, incorrect. Vijay, incorrect answer. Deepak, incorrect. Dinesh, incorrect. Suresh, Balwant, incorrect, guys. Adarsh, I'm so sorry, but that's an incorrect answer. Okay, now some of you corrected that, your answer, and you do have the correct answer. Okay, I can see some correct answer right now. Very good, guys. Very good. So, yahan pe mere paas kuch correct answer aa gaye. Very good. Very good. Very good. Yahan pe kaafi logon ka S reply aa raha hai. Very good, guys. Very good. Yahan pe kai logon ka S reply aa raha hai. Too good. Too good. Too good. Kyun? Kyunki S galat answer hai. S galat answer hai. Sonam Agrawal, very good. अच्छा अब देखो कितने आप लोग कितने शातिर किस्म के इंसान हो. अब मैंने एस बोल दिया तो कई लोग एस कहने लगे बिना सोचे समझे कि एस में क्या लॉजिक है, क्या है, कुछ नहीं, बस एस हो गया है. एस गलत है. अरे बाबा, हाउ कुड यू डू दैट. ओके फाइन, ओके फाइन फाइन फाइन. Very good, guys. T. Very good. Very good, T. काफी लोगों का यहाँ T आ रहा है. Very good. क्योंकि ये गलत जवाब है. T गलत जवाब है. Okay, very good. At the same time, again I'm saying very good. कई लोगों का आंसर वाई आ रहा है. Very good. आधे तो कॉपी कैट हैं. Very good. जिनका आंसर वाई आ रहा है, very good. Okay. अच्छा अब लोग वाई नहीं कमेंट कर रहे हैं ये सोच के कि जैसे मैंने प्रीवियस के दो गलत किए थे वैसे वाई भी गलत होगा. बट मेरे प्यारे बच्चों, वाई एक्चुअल में करेक्ट आंसर है. वाई सही आंसर है. वाई इज द करेक्ट आंसर. आई एम नॉट प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिक. वाई सही आंसर है. अब इसी को कहते हैं जो दूध के जले होते हैं ना, वो छाछ भी फूक फूक के पिएंगे. अब आप दही भी फूक फूक के पिए रहे हैं. वाई इज द करेक्ट आंसर. चलो आओ देखते हैं कि करेक्ट हो क्यों रहा है वाई. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. ठीक है, इट्स सेइंग 111 प्लस प्लस प्लस, चारों को एड ऑन कर दिया, कितना आया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हुआ. 4, 4 की स्पेलिंग में लास्ट में कौन सा लेटर आता है? 4, F O U R. So the last letter is R. That's why R is the correct answer. ठीक है? 2 plus 2 plus 2 plus 2. 4 2s are 8. E I G H T. Last में क्या आ रहा है? T. That's why T. I hope. Binay Kumar, I guess अब आपको logic clear हो गया होगा. I guess now the logic is clear. Clear है कि नहीं? 3, 3, 3, 12. Last में E, and I hope now it's is clear. Now it is clear. That the correct answer is Y. Okay? And I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे Y क्यों आ रहा है. ठीक है? Is clear to each and everyone? Okay?
ठीक है, आज का सेशन इतना ही। आने वाले सेशन में मैं आपको और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ग्राउंड लेवल का भी पढ़ेंगे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर से के लेवल पर भी पढ़ेंगे, कुछ उसके बियॉन्ड चैलेंजेस भी फेस करेंगे, जस्ट बिकॉज इट इज रीजनिंग, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। Thanks a lot for the being there and answering it. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket.